Hello friends, welcome to my YouTube channel Think Urology and Gynecology. So friends, आज मैं आपके लिए बहुत ही hot and sensational topic लेके आई हूँ कि क्या pregnancy में dry fruits खाने चाहिए, क्या वो pregnancy में dry fruits safe होते हैं और अगर आपको खाने चाहिए तो कैसे खाने चाहिए, कब से खाने चाहिए और कितने मात्रा में खाने चाहिए. तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक फॉलो ज़रूर करिए जिससे कि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के मन में यह होता है कि क्या प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाना सेफ होता है, क्योंकि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे कि आपकी सासू माँ होंगी, आपकी मदर होंगी, वो हमेशा यही बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो इनको खाने से एबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है. तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है. ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं कैल्शियम के, आयरन के, प्रोटीन के, विटामिन्स के, मिनरल्स के, असेंशियल फैटी एसिड्स के, जो कि बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ में आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है. तो इसको आप डे वन से ही ले सकते हैं, ये आपको हेल्प ही करेगा. तो चलिए देखते हैं कि बेबी के लिए इसके क्या क्या फायदे होते हैं. देखिए, ये बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, आंखों की रोशनी के डेवलपमेंट के लिए, बेबी के हार्ट के डेवलपमेंट के लिए, बेबी की स्किन टोन के डेवलपमेंट के लिए, बेबी की जो बोन्स होती हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, बेबी की टीथ के डेवलपमेंट के लिए, बेबी के मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा होता है. अब बात करते हैं कि मदर के इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. अगर आप इसको एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में खाते हैं तो इसकी हेल्प से आपको नॉजिया वॉमिटिंग कम होगा, आपको इनडाइजेशन कम होगा, यानी कि आपको हार्टबर्न कम होगा, आपका वेट गेन एक्सेसिव नहीं होगा, जो आपकी पूरी बॉडी की जो स्वेलिंग है वो भी बहुत कम आएगी प्रेगनेंसी की, जो कि नॉर्मल होती है स्वेलिंग, वो बहुत कम आती है. और जो प्रेगनेंसी के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बैकएक हो गया, लेग के क्रैम्प्स हो गए, फटीग हो गया, वीकनेस हो गई, आपके पैरों का दर्द हो गया, सोल का दर्द हो गया, ये अगर आप प्रॉपर अमाउंट में खाते हैं ड्राई फ्रूट्स तो ये सब भी बहुत कम होता है. तो ये सब कुछ बेनिफिट्स थे आपके लिए और आपके बेबी के लिए. अब लोग यूजुअली ये पूछते हैं कि क्या शुरू के 3 महीने में हम इसे खा सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आप डे वन से ही इसको खा सकते हैं, इसकी वजह से कोई एबॉर्शन का रिस्क नहीं बढ़ता है. बस आपको इसको एक एडिक्वेट अमाउंट में खाना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है. मान लीजिए आप सारे ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं तो सबके आप 2-2, 3-3 खा सकते हैं, मतलब कि टोटल 100 ग्राम्स यानी कि एक मुट्ठी के बराबर आप ड्राई फ्रूट सेफली खा सकते हैं. ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए एकदम सेफ रहेगा. अब लोग पूछते हैं कि इसको हमें ड्राई खाना चाहिए कि सोक खाना चाहिए. देखिए, जो बादाम और अंजीर होती है यदि आप उसको सोक करके खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स आप ड्राई भी खा सकते हैं, स्नैक्स की फॉर्म में खा सकते हैं, या फिर इसको पाउडर करके 2 चम्मच अपने दूध में मिला के पी सकते हैं, या फिर लड्डू की फॉर्म में भी इसे खा सकते हैं. तो आप किसी भी फॉर्म में इसे ले सकते हैं, ये एकदम सेफ रहता है. अब लोग पूछते हैं इसे सुबह खाना है, शाम को खाना है, रात को खाना है. तो आपको जो भी टाइम सुटेबल रहे, जिस भी टाइम आप खाना चाहें आप उस टाइम इसको खा सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही खाना है या इवनिंग में ही खाना है. आपको जो टाइम आपके लिए सुटेबल रहे, जिस टाइम अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो रहा हो, आप उस टाइम इसको एकदम सेफली खा सकते हैं. तो ये सब ये था कि आपको ड्राई फ्रूट्स कब खाना है, कब से खाना शुरू करना है, कैसे आप इसे खा सकते हैं, आप इसको ड्राई खाना चाहते हैं कि सोक खाना चाहते हैं. तो जैसे भी आप इसको खाना चाहें आप इसको खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए और आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है. तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें. थैंक यू, बाय बाय.